भाजपा आरएसएस भारतीय संविधान को बदलना चाहती है। धीरे धीरे बहुजनों मूल निवासियों के हितों वाले कानून को भाजपा की सरकार समाप्त कर रही है तथा प्रलोभन देकर सभी को गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी से सांसद रही सावित्रीबाई फूले ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि 26 नवंबर को वो एक बड़ी जनसभा करेंगी, जिसमें संविधान बचाओ के नाम से उन्होंने उस रैली का जो है नारा दिया है, उसका नाम उन्होंने यह रखा है संविधान बचाओ भाजपा हटाओ। और उन्होंने तमाम जो है तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार जो है वो जो दलित हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की जो है पार्टी है। उन्होंने बताया है कि इस जो ये उनका 26 नवंबर का जो कार्यक्रम होगा उसके मुख्य अतिथि जो है अखिलेश यादव होंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर रही है, समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर सकती है। क्या कुछ सावित्रीबाई फूले ने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उपस्थित सभी हमारे पिता तो बुजुर्गो, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबको मैं सादर जय भीम करती हूँ। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे चर्चा करने के लिए बैठी हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साथियों, संविधान भारत की आजादी का एक ग्रंथ है जो 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मत से संविधान सभा में पारित करने के बाद अंगीकृत अधिनियम एवं समर्पित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू किया गया है। अतः 26 नवंबर संविधान दिवस का पर्व दिवस है जिसे प्रत्येक भारतीय को पूर्ण निष्ठा से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने इसी उद्देश्य से एक महारैली जन जागरण अभियान शुरू करके विशाल संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। वर्तमान में आरएसएस भाजपा की सरकार में सरकार के नेतृत्व में भारत में पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात, अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम समाज का अधिकार छीना जा रहा है और उन्हें सताया जा रहा है। अन्याय, अत्याचार, भुखमरी, बेरोजगारी व कमर तोड़ महंगाई, शोषण, बलात्कार अब चरम सीमा पर है। सभी बहुजन मूल निवासी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भाजपा आरएसएस भारतीय संविधान को बदलना चाहती है। धीरे धीरे बहुजनों मूल निवासियों के हितों वाले कानून को भाजपा की सरकार समाप्त कर रही है तथा प्रलोभन देकर सभी को गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। भाजपा व आरएसएस सामंतशाही सामंतवाद को ही रामराज के रूप में स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए संविधान को पूरी तरह से न लागू करके बल्कि संविधान में दी गई धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान में दिए गए व्यवस्था के अनुसार शासन व प्रशासन का संचालन देश में किया जा रहा है, जिससे निरंतर वंचित समाज को असंवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं लगातार वर्ष 2017 से इसका विरोध करती चली आ रही हूँ तथा लगातार आंदोलन करके बहुजन मूल निवासियों को बताने जगाने का कार्य कर रही हूँ। उसी कड़ी में दिनांक 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ महाआंदोलन के जैसे राष्ट्रीय मंच